हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बनारस में। और मैं समय मौजूद हूँ वाराणसी के मछोदरी पार्क में। और दोस्तों, आज आपको अपने वीडियो में दिखाने वाला जो मछोदरी पार्क में पंडाल बन रहा है उसका पूरा नजारा, तो वीडियो बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, आपको बैक कर मैं वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस समय पंडाल के अंदर की जो कि तैयारियाँ चल रही है और उसे जो कि फाइनल टच दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर बनाया जा रहा है इसको, और इसको बनाकर आप देख सकते हैं ऊपर लगाया जाएगा इसको। 15 देख सकते हैं अंदर आपका जो कि कपड़ा लगाने का कार्य शुरू हो चुका है और काफी हद तक जो कि अंदर कपड़ा लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं इधर भी पूरा देखिए आपका कपड़ा लग चुका है। पंडाल की आकृति तैयार कर दी गई है। और इधर आप देख सकते हैं, देखिए आपका इधर पूरा पिलर्स रखे गए हैं जो कि पंडाल में यूज किया जाएगा। और इसका भी देखिए अभी भी कार्य चल रहा है, काफी भव्य तरीके से इस बार जो कि पंडाल को बनाया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं पंडाल के आने के लिए एंट्री गेट है। और इधर आपको दिखाओ तो इधर आप देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं सामने आपका मंच बनाया जा रहा है और उसी जगह माँ दुर्गा का जो कि प्रतिमा बैठेगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जो कि मंदिर की आकृति बना के रखी गई है। अब इन्हें जो कि अपने अपने जगह पे फिट किया जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए वहाँ पर कारीगर लगे हुए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें क्या खूबसूरत नजारा लग रहा है अंदर का, और काफी भव्य और दिव्य पंडाल इस बार बनाया जा रहा है मछोदरी पार्क में। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मंदिर का गुंबज भी बना के रखा गया है, काफी नक्काशीदार इसे बनाया गया है, बेहद खूबसूरत है। तो दोस्तों, आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं पंडाल में माँ दुर्गा की प्रतिमा आ चुकी है और उसकी तैयारी भी की जा रही है। आप देख सकते हैं, देखिए जो कि पेंटिंग चल रहा है इसमें, सारी प्रतिमाओं की जो कि पेंटिंग किया जा रहा है उसे फाइनल टच दिया जा रहा है। और इसका फाइनल टच पूरा होते ही इसे जो कि सामने मंच पे लगा दिया जाएगा और इसी जगह से जो कि नवरात्र में माँ दुर्गा का दर्शन किया जाएगा। तो ये दोस्तों, आगे चलते हैं, आपको आगे का नजारा दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने बारीकी से इसको बनाया जा रहा है। हाँ दोस्तों, आपको यहाँ का नजारा दिखाओ तो आप देख सकते हैं, देखिए जो आपका पिलर्स है इसे जो कि अब बाहर सेट किया जा रहा है जहाँ पे उसको लगना है। तो आइए आपको बाहर भी ले चलता हूँ, बाहर से भी दिखाता हूँ बाहर की क्या तैयारियाँ चल रही हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मंदिर के इस वाले पार्ट्स को अब रस्सियों द्वारा ऊपर भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं कारीगर लगे हुए हैं और इसे देखिए रस्सियों द्वारा ऊपर खींचेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो कि पूरा पंडाल का जो कि आकृति बन चुका है। अब इस पर जो कि कपड़ा लगाना बाकी है और कपड़ा लगाने का कार्य आप देख सकते हैं जो कि अंदर चालू हो चुका है, अब जो कि बाहरी बचा हुआ है। पूरा पंडाल का नज़ारा देख सकते हैं, देखिए काफ़ी खूबसूरत पंडाल इसमें लग रहा है और धीरे धीरे इसकी खूबसूरती और बढ़ेगी जैसे जैसे पंडाल तैयार होता जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कारीगर लगे हुए हैं, बहुत बारीकी से इसको बना रहे हैं। और इधर आपको दिखाओ तो इधर आप देख सकते हैं आपका जो कि पंडाल में जो पूरा पार्ट्स लगेगा उसकी आकृति बना के रख दी गई है। अब इस पर जो कि कपड़ा लगाना बाकी है, आप देख सकते हैं। इधर देख सकते हैं आपका मोटा मोटा पिलर भी बना के रखा गया है। आप देख सकते हैं पंडाल का बाहर से नजारा, काफी भव्य पंडाल इस बार बनाया जा रहा है। और ये पंडाल आपका जो कि गुजरात का हनुमान मंदिर है, आप देख सकते हैं बाहर का भी जो कि फाइनल टच दिया जा रहा है। और इधर आपको दिखाओ ये रास्ता आपका जो कि काशी स्टेशन के लिए चला जाएगा। और इधर आपको जो रास्ता दिखाओ ये आपका विशेषगंज होते हुए मैदागिन चौराहे के लिए चला जाएगा। दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा? वीडियो चला तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हर हर महादेव।